सबसे पहले हम ओपन करेंगे पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद हम क्लिक करेंगे एडिट फोटो। एडिट फोटो क्लिक करने के बाद सबसे पहले गाइस हम ओपन करेंगे अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ओपन करने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में क्लिक करने का के बाद जो मेरी पीएनजी मतलब मेरा कटआउट मैंने पहले से किया हुआ है तो हम वो ओपन करेंगे, उसका साइज़ एडजस्ट करेंगे। मैंने पहले से ही वो साइज़ एडजस्ट करके रखा है। देखिए गाइस, देन उसके बाद फिर से हम जाएंगे ऐड फोटो। ऐड फोटो पे जाने के बाद हमारी जो वाटर की पीएनजी जो फ्रंट साइड का जो वाटर है वो हम ओपन करेंगे और उसे भी अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट होने के बाद देखिए गाइस पूरा रियलिस्टिक लग रहा है, अभी तो उसमें थोड़ा वर्क बाकी है। देन फिर से हम क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद हम जो हमारा जो रिफ्लेक्शन है मेरा वो हम डाउनलोड ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद उसे भी हम एडजस्ट करेंगे और उसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। देन ओके करने के बाद फिर से हम जाएंगे ऐड फोटो। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से जो हमारा लाइट है लेंस फ्लेयर उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसे भी हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अब ये जेपीजी में इसका बैकग्राउंड जो ब्लैक है हमें वो नहीं चाहिए तो हम ब्लेंड में जाके उसे स्क्रीन कर देंगे तो सिर्फ वो जो लाइट है वाइट कलर की वही विजिबल होगी। उसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। देन उसके बाद हेड फोटो में जाके जो हमारे लेंस जो आईज की लेंस होती है आँखों में वो लेंगे। ये सब स्टॉक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसे ब्लेंड करके हम स्क्रीन कर देंगे। देखिए गाइस अच्छे से हो गई है लेकिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। उसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके हमारा जो टेक्स है समर वाइब्स उसे हम ऐड करेंगे। अभी इसका बैकग्राउंड वाइट है तो हमें वो नहीं चाहिए, पहले हम साइज एडजस्ट कर लेंगे। अभी वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हम जाएंगे ब्लेंड में और ब्लेंड में जाने के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से जो वाइट बैकग्राउंड है वो चला जाता है गाइस। तो देखिए पहले ऐसा था देन ऐसा हो गया है, एकदम परफेक्ट रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन हम सेव डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसे ड्रॉ पे क्लिक करके अगेन ड्रॉ वेबसाइट में जो थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक करके सेव कर देंगे ताकि हमारा पिक जो ज़्यादा HD क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी में सेव हो। देन हम ओपन करेंगे एडोब लाइटरूम, देन फोटो ऐड करेंगे। टाइम में जाके ये देखिए अभी जो एडिट किया था वो फोटो आ चुका है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे देन वो फोटो हम अभी लाइटरूम में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए पूरा HD पिक हमारा आ चुका है। उसके बाद क्लिक करेंगे ये जो सन जैसा सूरज जैसे जो आइकॉन है वहाँ पे वो मतलब लाइट वगैरह होते हैं ना उसका होता है, हाईलाइट थोड़ा सा कम कर देंगे, शेडोज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देन वाइट्स भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और ब्लैक्स थोड़ा माइनस में कर देंगे। देखिए गाइस बिफोर आफ्टर थोड़ा सा वाइट भी बढ़ा देंगे। हम जाएंगे कलर्स में जाके मिक्स में जाके ऑरेंज पे क्लिक करके थोड़ा सा सैचुरेशन उसका कम कर देंगे ताकि फेस का कलर कम हो जाए। लेकिन हमारे लिप्स का भी थोड़ा बढ़ा देंगे रेड में जाके ताकि हमारे लिप्स थोड़े रेड लगे। देन हम जाएंगे ब्लू में जाने के बाद ब्लू का सैचुरेशन बढ़ाएंगे और साइन का भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन अगेन ब्लू में जाके उसका यू थोड़ा लेफ्ट साइड मतलब जो ब्लू कलर है वो थोड़ा साइन हो जाता है हमारे वाटर में, डन कर देंगे। देन हम जाएंगे सिलेक्टिव में जाने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो हम देंगे। तो ये नीचे से ऐसा क्लिक करके ड्रैग करना ऊपर, देन
जहाँ जहाँ रेड दिख रहा है आपको वहाँ पे ही इफेक्ट अप्लाई होगा। देखिए अभी जहाँ रेड है वहाँ कहीं मैंने एक्सपोजर कम कर दिया तो वो अभी कम हो रहा है, देखिए तो एक इफेक्ट आता है इससे। देन उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके। देन जाएंगे शार्पनेस में, शार्पनेस हम अच्छी खासी बनाएंगे 90 तक अराउंड। देन डिटेल्स थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा कम। देन नॉइस रिडक्शन हम अराउंड 10 रखेंगे। ये होने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट में और उसका जो विग्नेट इफेक्ट थोड़ा सा साइड से जो डार्कनेस आती है वो हमने यहाँ पे किया। तो देखिए गाइस लाइट रूम में देखिए कैसा बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा रिटचिंग के बाद कितना अच्छा लुक हमारे पिक में आ चुका है। देन हम करेंगे शेयर फ्रेक्टिव सेव टू डिवाइस, तो आपका जो पिक है वो फुल साइज में सेव हो जाएगा गाइस।